जय श्री राम दोस्तों, SPJ किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़ा वाली कढ़ी, जिसके लिए देखिए दही रखी थी, बहुत दिन पुरानी दही थी, खट्टी हो गई थी। तो इसको क्या करें, इसको हम कढ़ी बना लेंगे और बहुत बढ़िया कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैं एक कटोरी बेसन ली हूँ, एक टीस्पून डालूँगी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और इसमें जाएगा हींग का पानी। हींग का पानी डाल के इसको फेंट दूंगी। इसमें थोड़ी सी मैं पालक पत्ता डालूंगी, इससे पकौड़ी अच्छी बनेगी। इसको फेंट लूंगी इस प्रकार से हाथ से। तो दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं अलग अलग रेसिपी जब भी बनाऊं तो आपके सामने जल्दी आ जाऊं और आप हमारा वीडियो जल्दी से जल्दी देख सको। तो देखिए तैयार है फेंट के बेसन, तेल गर्म हो गया तो मैं इसमें डाल दूंगी। ऐसे पलट पलट के सेक लूँगी। देखिए पकौड़ी तैयार है। अब इसी बेसन में थोड़ी सी और बेसन डालूंगी, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, हींग का पानी डाल के ऐसे फेंट लूंगी। तेल गरम है, इसी में मेथी दाना डाल दूंगी और थोड़ी सी धनिया, साबुत धनिया डालूंगी और ये घोल डाल दूंगी। लो फ्लेम करके रखूंगी और इसको चलाती रहूंगी। इसमें धीरे धीरे पानी डालती रहूंगी, एक बार पानी नहीं डालूंगी, इसको चलाती जाऊंगी और धीरे धीरे ये फूलता जाएगा बेसन और पानी डालती जाऊंगी। इससे क्या होगा, हमारी कढ़ी फेंकेंगी नहीं। अब देखिए इसमें पकौड़ी डाल दी हूँ, तैयार हो गया है बन के लगभग। नमक देना मैंने भूल गई थी बाद में कढ़ी में, तो मैं नमक डाल दी हूँ, तैयार हो गई। अब मैं एक पैन लूँगी, छौंका लगा दूँगी, लाल मिर्च, थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाल के देखिए कढ़ी तैयार है बन के। बहुत ही लाजवाब कढ़ी बन के तैयार है, खुशबूदार। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक अवश्य